एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसी से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माँ बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गर्म गर्म खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गर्म खीर खांड के भोजन किया। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई थी और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो आपकी कमाई हुई रोटी है ना आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता बिंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना चाहिए तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टि, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी छोटी लटकाकर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिए हैं पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य है। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसे ही वो उसको डसने लगा। चौथ माता और बिंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के चार टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सी चिटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, ये स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती भी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चिटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती, इसीलिए चौथ माता व विंदायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज मैं इसे चार बार रोटी देती थी तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ दी, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है? तब गाय माता पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के मुंह गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा की जगह मेहतरानी था तो उसने भी हां, हे चौथ माता, उसके पति रक्षा, वैसी हम सब करना और सभी मनोकामना।